हेलो वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन सो दोस्तों जैसा कि आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जूनियर ऑडिटर के लिए अकाउंट्स एंड और ऑडिटिंग के क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें कि हम लोग ऑलरेडी पार्ट वन डिस्कस कर चुके हैं तो ये आपका पार्ट नंबर टू है अगर आप लोगों ने पार्ट नंबर वन नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जाके आप लोग देख सकते हो तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए आई होप अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर वन की तरफ मूव करते हैं सो so, पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है बट पहला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर कर दूं अगर आप लोग जूनियर ऑडिटर की पोस्ट के लिए मॉक टेस्ट डाउनलोड करना चाहते हो जिससे कि आपको पता लग जाए कि आप कौन से लेवल पे खड़े हो आपकी कितनी है बिल्कुल लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न पर अगर टोटल फाइव मॉक टेस्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है इसके अलावा अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग के क्वेश्चंस डाउनलोड करना चाहते हो मतलब आपको नहीं पता कि कहाँ से हम लोग तैयारी करें तो बुक का लिंक भी एक तरीके से नोट्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना आपको बहुत सारी आपकी काम की चीज़ें मिल जाएगी तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर वन की तरफ पहला क्वेश्चन आपके सामने वट इज़ द अकाउंटिंग इक्वेशन इसमें से अकाउंटिंग इक्वेशन एक कौन सी है या अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपको पता है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है ऑप्शन नंबर ए इज यो राइट आंसर अगला क्वेश्चन है विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट्स ए कंपनीज रिवेन्यूज एंड एक्सपेंसिस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनमें से कौन सी फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो रिपोर्ट करती है कंपनी का रिवेन्यू और एक्सपेंसेस सो so, इसका जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इनकम स्टेटमेंट अगला क्वेश्चन आपके सामने है वट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग नेट इनकम नेट इनकम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है सो नेट इनकम को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है रिवेन्यूज माइनस एक्सपेंसिस ठीक है जितना आप कमाते हो उसमें से खर्चा निकाल दो वो आपकी नेट इनकम है अगला आपके पास है वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स पेएबल एंड अकाउंट्स रिसिवेबल अकाउंट्स पेबल और अकाउंट्स रिसिवेबल में डिफरेंस क्या है ऑप्शन आपके सामने है उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अकाउंट्स पेबल रिप्रजेंट मनी ओन्ड बाय ए कंपनी जबकि जो अकाउंट रिसिवेबल है वो रिप्रेजेंट करता है मनी ओड बाय ए कंपनी ठीक है अगला व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कैश फ्लो का पर्पस क्या है ये जो स्टेटमेंट है कैश फ्लो इसका क्या मतलब होता है ऑप्शंस आपके सामने है और इसका दोस्तों जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी टू शो दोर्सिस एंड यूजेज़ ऑफ कंपनीज कैश ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो कंपनी के कैश को मतलब कंपनी के कैश के सोर्सेज और उसका यूजेज़ दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैश फ्लो ताकि पता लग जाए कि कैश कहाँ से आ रहा है कहाँ कौन से सोर्सेज से आ रहा है और कहाँ पर कैश लग रहा है वो सब होता है कैश फ्लो आ गया इज़ द पर्पज़ ऑफ़ द बैलेंस शीट बैलेंस शीट का क्या पर्पज़ है तो बैलेंस शीट का पर्पज़ होता है तो टू तो शो ए कंपनीज़ फाइनेंशियल पोजिशन एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन शो करने के लिए बैलेंस शीट का पर्पज़ होता है अगला है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है वो है बैंक लोन ड्यू इन फाइव ईयर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन दग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट करंट एसेट का एग्जाम्पल क्या है तो दोस्तों करंट एसेट का एग्जाम्पल है इन्वेंट्री ऑप्शन नंबर सी इज यो राइट आंसर आ गया वट इज द पर्पज ऑफ़ द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सो इसका पर्पज़ क्या है ऑप्शन आपके सामने इसका राइट right आंसर है टू शो द चेंजेस इन ए कंपनीज इक्विटी अकाउंट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर अगला क्वेश्चन है वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है ऑप्शन आपके सामने उसका राइट right आंसर है जो ग्रोथ प्रॉफिट है दैट इज़ द प्रॉफिट अर्न बिफोर डिटेक्टिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और जो नेट प्रॉफिट है वो प्रॉफिट होता है अर्न आफ्टर डिटेक्टिंग ऑल एक्सपेंसिस सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तो ये थे आपके आज के दस क्वेश्चन आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो की पी डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोग बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना इस पोस्ट से रिलेटेड आपको बहुत सारी काम की चीज़ें मिलेगी जो आपके एग्जामिनेशन में आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी सो धन्यवाद दोस्तों आज के लिए बस इतना ही